माँ अम्बे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंह राशि मई 2022 में कैसा रहेगा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आपकी जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। मई के महीने में तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। पहला सूर्य 15 मई को वृषभ राशि से गोचर करेंगे। मंगल 17 मई को मीन राशि से गोचर करेंगे और शुक्र 23 मई को मेष राशि से गोचर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य मई के महीने में कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा मई के महीने में कैसी रहेगी, आपका प्रेम प्यार मई के महीने में कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन मई के महीने में कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपका करियर मई के महीने में कैसा रहेगा, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें लाभ होगा या नहीं इसकी भी चर्चा हम करेंगे। मई के महीने में यह कैसा रहेगा, धन का आगमन कैसा रहेगा मई के महीने में इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य प्रथम भाव से देखा जाता है और जिसके स्वामी सूर्य अपने उच्च राशि मेष राशि में नवम भाव में विराजमान है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल और शनि की दृष्टि लग्न में पड़ने से थोड़ी बहुत आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, हल्का फुल्का जैसे मानसिक तनाव हो सकती है, हेडेक हो सकती है, पेट संबंधित परेशानी हो सकती है, चेस्ट संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, उसका आप ख्याल करें। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का भाव पंचम भाव होता है जिसके स्वामी बृहस्पति अपने स्व राशि मीन राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो शिक्षा में तो आपको मन लगेगा, पढ़ाई में आपकी मन लगेगी। शुक्र भी वहां उच्च के हैं लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण अनायास आप परेशान रहेंगे, आप चिंतित रहेंगे लेकिन आपका पढ़ाई अच्छी चलेगी। अगर प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार भी पंचम भाव से देखा जाता है जिसके स्वामी गुरु हैं और गुरु अपने स्वराशि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी उच्च के हैं तो प्रेम प्यार भी आपका बहुत अच्छा रहेगा खासकर 23 मई तक। लेकिन अनायास ही आप टेंशन में रहेंगे, गलत गलत भावनाएं गलत गलत चीजें आपके दिमाग में आएंगी जिससे कि आपका मानसिक रूप से आप परेशान रहें। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी खुद सप्तम में है तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की बात माने तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल साथ में है, सप्तम भाव में है तो थोड़ी वो बहुत नोक झोंक हो सकती है, थोड़ा गुस्से वाली प्रवृत्ति आप में आ सकती है। वैसे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य नवम भाव से देखा जाता है और नवम भाव के स्वामी मंगल है तो 17 मई तक आपका भाग्य का साथ
उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन जब 17 मई के बाद आपका भाग्य उतना अच्छा नहीं मिलेगा, भाग्य आपका साथ 17 मई तक ही देगा, क्योंकि 17 मई के बाद मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे कि आपके भाग्य में रुकावटें आएंगी। अगर कैरियर की बात करें, अगर आप नौकरी चाकरी कर रहे हैं तो कैरियर दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है, उच्च के हैं, तो कैरियर में भी आपकी अच्छा रहेगा, लेकिन अष्टम भाव के कारण थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आ सकती है, आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः आपका करियर अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें लाभ होने की संभावना वो कुंडली के 11th हाउस से देखा जाता है, जिसके स्वामी बुध है और बुध केंद्र में है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें लाभ होने की पूर्ण संभावना। अगर धन आगमन की बात करें तो धन आगमन द्वितीय भाव से देखा जाता है और जिसके स्वामी बुध है और बुध केंद्र में दशम भाव कैरियर में है, तो आप नौकरी पेशा या व्यवसाय से आपका धन का आगमन अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। माता भूमि वाहन की बात करें तो ये चतुर्थ भाव से देखा जाता है और जिसके स्वामी मंगल 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ हैं, तो माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहे, थोड़ी बहुत माता की स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है। इस तरह से मई के महीने में सिंह राशि वालों का ग्रहों का गोचर का प्रभाव यह है। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उसे निजात पाने के लिए सुबह सुबह उगते हुए सूरज को जल से अर्घ्य दें, सूर्य के बीज मंत्र का रोज 108 बार सुबह जाप करें, जिससे आपको परेशानियां कम होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सिंह राशि मई 2022 के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूं। धन्यवाद।